हाँ, कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। सौमित्र राज आशीष कुमार, गुड मॉर्निंग। अंश चौधरी, गुड मॉर्निंग। सौमित्र राज, ओके, प्लीज सेंड। घोष गॉन मैड। प्रणाम गुरुदेव। ऋषभ राज, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव राजशेखर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। सानिया सिंह, आपको भी सुप्रभात। कौशिक बर्नवाल को भी गुड मॉर्निंग। नमिता, गुड मॉर्निंग। विश्वास को भी गुड मॉर्निंग। इंडियन गेमिंग, जय न्यूक्लियस, जय न्यूक्लियस। तिलक फिरदौरिया, बोले गुस्से में क्यों लग रहा है? कहाँ गुस्से में है, पढ़ रहे हैं सीरियसली। कितना कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं तुम्हारा पढ़ाई को लेकर, देखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमन जैन भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष सोनी, गुड मॉर्निंग। सलमान भाई, न्यूक्लियस की जय हो, आपकी भी जय हो। वरुण कुमार झा, गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष प्रताप सिंह का डिलीट मारते रहते हो भाई लिख लिख के, गुड मॉर्निंग। हर्ष पुनिया ने आज गुड मॉर्निंग बोला है, अरे वाह, पहली बार। गुड मॉर्निंग हर्ष पुनिया, कैसे हैं बेटा आप? सब बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, ये देखो, बाय गॉड, सही बोल रहा है ये। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। चलो तो जय हिंद पर एक डाउट पूछते हैं आज। ईस्ट और वेस्ट हैज न्यूक्लियस द बेस्ट, बिल्कुल सही बोला है एके, ठीक है। चलिए, अब अपन पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे अमन? फजांस रूल। फजांस रूल के अंदर हमने ये बात की थी कि भैया एक कैटायन आएगा, एक एनायन आएगा, तो दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे आइसोलेटेड कंडीशन में, तो उस कंडीशन में कैटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है। साइमल्टेनियसली जो न्यूक्लियस होता है उसका, एनायन जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है। एज द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है इन बोथ आयन्स, ठीक है। और उस डिस्टॉर्शन में आपको बोलना पड़ता है कि जो एनायन का डिस्टॉर्शन है वही मेजरेबल होता है, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है। कैटायन का साइज छोटा होने से कैटायन का डिस्टॉर्शन काउंट नहीं करते। क्लियर सबको? हाँ या ना? उसके बाद हमने पढ़ा था चार फैक्टर थे फजांस रूल को अफेक्ट करने वाले, जिसमें पहला था साइज ऑफ कैटायन, दूसरा था आपका चार्ज ऑन कैटायन, तीसरा था साइज ऑफ एनायन, और चौथा था चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछा है कि ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, और उसने बोला NaCl और CuCl, आपको इन दोनों के अंदर क्या बोला, जल्दी बताओ। आपको इन दोनों के अंदर यह बताना है कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। आपकी सुविधा के लिए दर्शकों की भारी मांग पर यहां पर रेडियस का वैल्यू भी दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है Na प्लस और कॉपर प्लस, दोनों का साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। क्या होता है? स्नेहा से इक्वल होता है दादा, इक्वल इक्वल बराबर, ये बराबर हो गया है। अब आपसे पूछा है कि साला इसका साइज बराबर है, ये तो सेम हो गया है रे, और चार्ज भी सेम है, एनायन का चार्ज भी सेम है। चारों फैक्टर जो फजान साहब बता रहे थे वो तो फैक्टर ही यहां पर चारों सेम है। जब चारों फैक्टर सेम आएगा तो हमारे द्वारा कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे दिया जाएगा?
यहां कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आएगा? चारों फैक्टर पढ़ने के बाद तो हमारा जो है वो आंसर ही नहीं आ पाएगा, और अगर आंसर ही नहीं आ पाएगा तो हमारा सवाल तो गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा तो आईटी में सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? जब तक आपके द्वारा ये नहीं बताया जाएगा हम आगे कैसे बढ़ पाएगा। चलो बताओ भैया, बताओ भाई, बताओ किसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर? स्नेहा दास, माय गॉड, गजब, आपने तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया। और साहिल चौधरी, गजब, मुदिता ने भी सही दिया, मुदित गुप्ता, गजब, वेदांत ने भी सही दिया, कॉपर को, गजब, स्नेहाशीष घोष बाबू, भालो अच्छे, आंसर एकदम करेक्ट है। अब देखो इधर आंसर आएगा CuCl, क्या आएगा? CuCl, परंतु एक प्रॉब्लम है अब कि ये CuCl क्यों आया, कैसे आया? और आपका यूनिवर्सल डाउट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आंसर है? क्या यूनिवर्सल डाउट होता है हमें? हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो पता ही नहीं चलता कभी कुछ भी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा वो हम देख रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें पता चलने के लिए टाइप ऑफ कैटायन का पता होना चाहिए। ठीक है भैया, एक बात बता दें, आप जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो अभी। क्या बोला मैंने? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हो आप, टाइप ऑफ कैटायन। थोड़ा फोकस्ड होके बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से चला जाए। वैसे भी तुम लोग क्या बैठ के पढ़ते हो कुर्सी पे, तो ऊपर से चला जाता है, तो जैसे ऊपर जाने लगे थोड़े खड़े हो जाना ताकि यहां अटक जाए, समझिए। और ये लेट के पढ़ने वालों, यार तुम ना बैठो यार पहले यार। ये जो पाँव के पास मोबाइल रख के ऐसे कान फोन करके ऐसे लेट के देख रहे ना, वो बैठो पहले, बैठो, लगना चाहिए साले जिंदा हो। नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा, ये बैठे हुए अभी भी बैठे हैं, ये नहीं उठ रहे, कैसे बदतमीज है बताओ। यही आईटी है, बैठो। हाँ अब ठीक लग रहा है, अब सब बैठ गए। हाँ चलिए, तो टाइप ऑफ कैटायन क्या होता है? तीन तरह का होता है। पहला टाइप ऑफ कैटायन होता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उस कैटायन के आउटर शेल में। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैटायन क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे N प्लस के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2s2, 2p6, 3s2, 3s1 होता है। 3s1 होगा, प्लस होगा, तो ये 3s1 हट जाएगा और इसके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, हट जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो N+ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैटायन। ठीक है, अगला सेकंड, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कैटायन। क्या बोला जल्दी बोलो? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कैटायन। क्या बोला जल्दी बताओ? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कैटायन। ओके, ये क्या होता है? जब आउटर शेल में, क्या बोला जल्दी बताओ? जब आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कॉन्फिगरेशन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बन जाता है। क्या बोला मैंने? जब कभी कैटायन के आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बन जाता है।
जब कभी 18 इलेक्ट्रॉन आता है तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। समझ में आता है? चलिए अब एग्जाम्पल से समझा जाता है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, यही आता है। यहां पर अगर आप प्लस वन लगा दें तो ये 4s1 हट जाएगा, ये 4s1 हट गया है। अब ये 4s1 हटने के बाद आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो कॉपर जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, 29 वाले में 18 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर जिंक प्लस टू कर देता तो क्या होता? जिंक प्लस टू कर देता तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, 30 होता तो यहां था 4s2, हमने यहां लगा दिया प्लस 2, तो ये भी हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर मैं यहां गैलियम लगा देता तो यहां प्लस 3 लगा देता, गैलियम का होता है 31, तो यहां हो जाता 4s2, 4p1, कितने निकाले? 3। और अगर ये 3 निकाल दिया अपन ने तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? प्लस 3 भी सूडो। और अगर एक और लगा दें अपन, जर्मेनियम प्लस 4, और जर्मेनियम प्लस 4 लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा? 18, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 32। क्लियर? इधर आओ, कॉपर में अगर हो रहा है तो ये जी में भी होगा बे। अरे होगा रे बाबा, ये जी में भी वही होगा रे बाबा। क्यों? सेम ग्रुप का है रे बाबा, देखो जरा क्या दिख रहा है बे, सेम ग्रुप का है। ठीक है तिलक फिरदौसिया, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया लिखते हो भाई। कैडमियम प्लस 2, HG प्लस 2, इन सब में कौन सा हो जाएगा? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। क्या हो जाएगा रे? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। ठीक है अब तीसरा देखो आप, तीसरा होता है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। क्या होता है जल्दी बताओ? नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन क्या होता है जरा देखो। यश बाबेल, अभी तो कुछ समझाया है ही नहीं भाई, अभी तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया, समझाएंगे तो अब जब 3 कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ोगे। ठीक है समझ गए? यहां पर आप देखो, इसमें आपका आएगा 18 प्लस 2। सबसे पहले तो ये कौन है भाई? यश बाबेल। एक 3 चीजें समझनी थी आपको, मैंने आपको 3 कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिए बस, और कुछ नहीं किया। और ये आपको पहले से पता होने चाहिए थे, वो आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इससे कनेक्ट करूंगा उस सवाल को जिसके अंदर पोलराइजेशन कनेक्ट होगा, पोलराइजेशन से कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। 5वां फैक्टर फैजांस का पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस 5वें फैक्टर को पढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए। आपकी मदद कर रहा हूं मैं तो डायरेक्ट पढ़ा देता साला, ये ले पोलराइजेशन हो गया, तुम्हारा भी पोलराइजेशन हो जाता, ऊपर से दिमाग का भी, सारा दिमाग का कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता, आईनी कैरेक्टर खत्म हो जाता, चार्ज ही खत्म हो जाते एकदम से, दिमाग बिल्कुल डाउन हो जाता। आपकी मदद की जा रही है यस बाबेल। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप के होते हैं, उससे कनेक्ट करूंगा मैं। यश बाबेल वापस से समझ में आया जो मैंने बोला? लिख के बताओ फटाफट, क्या बता रहा हूं? ये कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, इन कॉन्फ़िगरेशन को समझाऊंगा, फिर इनसे मैं पोलराइजेशन को कनेक्ट करके उस सवाल का आंसर बताऊंगा। ये कोई आईआईटी की क्लास चल रही है, तुम्हारे स्कूल की क्लास नहीं है, जो मैंने आंसर लिख दिया एरो करके ऐसे कि आगे आंसर बेटा इसको लर्न कर लो। उस सवाल को समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, और यहां बोल देते हैं साले कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक मोबाइल क्या मिल गया इनको, सारी खुन्नस उस मोबाइल से निकालेंगे 2 साल की। बड़ी मुश्किल से मोबाइल मिला है सर, कुछ तो यूज करने दो। अबे तो यूज करो, मिस यूज मत करो यार। चलो यही आईडी है बाबेल, समझ में आया? ओके थैंक यू। चलिए तो है ना, पेशेंस रखा करो एक तो यार, तुम साले ऐसे समझते हो, दो अभी तो साले 10वीं 12वीं के तुम छोटे छोटे तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो साले,
जिसके अंदर तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तुम यहाँ ये जज करने बैठोगे साले कि क्या समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। अबे कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे ना, इतने सालों से क्या पढ़ा रहे हैं। फिर कनेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे उस सवाल को, जिससे ऐसा नहीं ऐसे हजारों सवाल एक साथ सेलेक्ट हो जाओ खटाखट, एक मिनट में गारंटी के साथ सारे सही। क्या बोला? एक मिनट में गारंटी के साथ सारे सही। लेकिन उसके पहले समझना पड़ेगा क्या है ये। तीसरा होता है नॉन इनर्ट। नॉन इनर्ट में कितने होते हैं जल्दी बताओ, बोलो। 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ गया नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कैटायन। क्लियर सबको? अब इसके एग्जांपल देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे थेलियम, थेलियम 81 होता है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी और एस एफ डी पी, ये इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, 2 4 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 10 और 1, ठीक। अब इसको अगर मैं थेलियम 81 को ढंग से जमाऊं शेल वाइज, तो देखो अब आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10, ठीक है। और उसके बाद 6s2 6p1, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अगर मैं यहां थेलियम प्लस वन कर देता हूं, तो प्लस वन कर दे क्या होगा, यहां से पी हट जाएगा। पी हटते ये देखो आप, ये 18 और ये 2, तो क्या नजर आए, 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी थेलियम प्लस जो होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, बोलो। 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा ये, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। अब अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या, लेड जो होता है वो 82 वाला होता है, क्या वो भी प्लस 2 में आएगा, बोलो, क्या वो भी प्लस 2 में आएगा, हाँ या ना। लेड प्लस 2 में है, आएगा, यस। पी बी बिस्मिथ प्लस 3 83, क्या इसमें भी यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, देखो 83 होगा तो यहां 6s2 के बाद 6p3 हो जाता, तो तीनों हटा दिए मैंने तो ये आ गया। और अगर मरकरी की बात कर लेते अपन, ये मरकरी है, अगर हम मरकरी की बात कर लेते तो मरकरी के अंदर कितना होता बताओ, 80। तो मरकरी का तो यही कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा, मरकरी कैटायन नहीं है, मैंने एटम है लिख दिया ताकि आपको मरकरी एटम का भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। क्या बोला जल्दी बताओ, आपको मरकरी का भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, आया ना। क्लियर सबको, ठीक, पक्का, आया ना। ऋतिक गंगवार, अभी रुक जाओ बेटा, अपने डाउट को होल्ड करो अभी, है ना, थोड़ी देर बाद आएगा समझ में। तो ये आपके ऐसे वाले कैटायंस हो गए 3, और एक एलिमेंट जो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन रखते हैं। क्लियर, आया। मिटा दूं, तो अब आपको ये समझ में आया कि हमारे पास 3 तरह के कैटायंस होते हैं। अब 3 तरह के कैटायन में ये एक कैटायन है, और ये एक एनायन है, ये एक कैटायन है, ये एक एनायन है, ये एक कैटायन है, और ये एक एनायन है, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो कैटायन है वो कौन सा है, नोबल गैस,
ये वाला मैंने कौन सा लिखा है? सुडो वाला। और ये वाला कौन सा लिखा है? नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के टाइम। ठीक है, अब फैजांस के आगे हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो वो फैजांस अब क्या बता रहा है, ध्यान से सुनना। वो फैजांस हमें ये बता रहा है कि अगर साइज ऑफ कैटायन सेम आ जाए, चार्ज ऑन कैटायन सेम आ जाए, साइज ऑफ एनायन सेम आ जाए, साइज ऑफ चार्ज ऑफ एनायन सेम आ जाए, तो पोलराइजेशन टाइप ऑफ कैटायन से डिसाइड की जाएगी। यहां पर ये एनायन जो है वो सेम है, ठीक है, सारे ये सेम एनायन है, कैटायन बदल गया। यहां पर आपका जैसे मान लीजिए कौन है, सूडो या नोबल, कौन सा है? नोबल। ये कौन सा है? सूडो वाला। ये कौन सा है? नॉन इनर्ट वाला। दोबारा से बताओ, ये कौन सा है? नोबल गैस। ये कौन सा है? सूडो। ये कौन सा है? नॉन इनर्ट वाला। कौन सा वाला है? नॉन इनर्ट वाला। क्लियर? पक्का? ये आपका नॉन इनर्ट वाला है, सिंपल है। अब नॉन इनर्ट वाला है, सूडो वाला है और नोबल गैस वाला है, तो जरा इसके अंदर देखो, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं अपन, और ये आपका एस और पी। अगर आप ध्यान से देखो तो नोबल गैस में सिर्फ आउटर शेल एस और पी वाला था, जब आप सूडो में आए थे तो सूडो में आपका क्या था, डी आ गया था पहले अंदर, आउटर शेल तो एस पी था लेकिन एक डी आ गया था। डी आने से क्या हुआ था, 18 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए थे। सूडो नॉन इनर्ट वाले के अंदर अगर आपने ध्यान से दिया हो तो क्या हुआ था, एफ आ गया था, फिर डी भी आ गया था, और लास्ट में फिर 6s और 6p थे। क्लियर? यहां पर आप 14 एक्स्ट्रा आ गए इससे भी। देखो यहां पर एस और पी थे तो 8 थे सिर्फ, यहां 8 के बाद एक्स्ट्रा आए 18, और यहां के बाद यहां 18 डी की वजह से हुए क्योंकि 10 एक्स्ट्रा आ गए, और ये डी की वजह से 10 ही मान लेते हैं अभी तो अपन, चलो डी की वजह से 10 एक्स्ट्रा आ गए, और यहां जब आए तो डी के 10 तो थे ही सही, एफ की वजह से 14 एक्स्ट्रा आ गए, 14 एक्स्ट्रा आ गए। अब ध्यान से समझना कि जब हम बात करते हैं ये 8 प्रोटॉन्स की जो न्यूक्लियस में है, उन 8 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन लगेगा अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बाद ही तो वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी वो यहां से अट्रैक्शन जब यहां जाएगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसी तरह से जब ये वाली बात करेंगे हम सूडो की, तो सूडो के अंदर आपके पास डी आ गया, डी की वजह से 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गए, 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, और 10 प्रोटॉन का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? 10 प्रोटॉन का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज आएगा, और उसे रोकने के लिए डी ऑर्बिटल आएगा। हमने पढ़ा था शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा एस की, फिर पी की, फिर डी की, और फिर एफ की होती है। शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा एस की, फिर पी की, फिर डी की, तो डी की कम हो गई ना शील्डिंग पावर, तो अगर शील्डिंग पावर कम हो गई तो क्या ये रोक पाएगा? डी नहीं रोक पाएगा, तो ये बढ़ा हुआ अट्रैक्शन इस एस और पी पे आएगा। तो यहां एस और पी पहले 8 को रोक रहे थे, अब 18 को रोक रहे हैं, तो यहां के रेस्पेक्ट में यहां जो न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचने जा रहा है वो ज्यादा जाएगा। यहां पर आओ, F आ गया, यहां पे F आ गया, पहले क्या था D, D के अलावा अब कौन आ गया? F, F ने कितने बढ़ा दिए? 14 और बढ़ा दिया, 14 और बढ़ गया, तो 14 का अट्रैक्शन और बढ़ गया, और F की शील्डिंग पावर क्या है? कम, तो F की शील्डिंग पावर कम है तो क्या होगा? ये नहीं रोक पाएगा F, तो ये जो बढ़ा हुआ अट्रैक्शन है वो आउटर शेल पर जाएगा। आउटर शेल पहले जो एस और पी थे वो सिर्फ 8 को रोक रहे थे, यहां 18 को रोकना पड़ा, यहां 32 का न्यूक्लियर चार्ज रोकना पड़ रहा है, क्योंकि 14 प्लस 10 प्लस 8 एस और पी के मिला के, तो 32 प्रोटोनों का अट्रैक्शन रोकना पड़ेगा, तो ज्यादा रोक पाएगा? नहीं। तो यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ये इस जगह आएगा इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में, तो यानी कि ये वाला जो कैटायन होगा, ये वाला कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर सबसे ज्यादा खींचेगा। अगर इसको अपनी ओर ज्यादा खींचेगा तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा इसका होगा, पोलराइजेशन अगर इसका ज्यादा सबसे होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें आएंगे, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें आएंगे तो इसी को सबसे ज्यादा कोवेलेंट कहा जाएगा।
इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये ज्यादा पोलराइज करेगा, ये ज्यादा पोलराइज करेगा, तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर आएंगे। अब जो सवाल आपको दिया गया था स्टार्टिंग में वो NaCl और CuCl था, और उसमें आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया था कि रेडियस ऑफ Na प्लस रेडियस ऑफ Cu प्लस ऑलमोस्ट बराबर है। अब साइज बराबर हो गया, चार्ज बराबर हो गया, एनायन सेम है तो एनायन का साइज भी सेम हो गया, एनायन पर चार्ज भी सेम हो गया, चारों फैक्टर कॉन्स्टेंट थे। अब आपको बताना ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताना था तो इन दोनों में से अब किसका ज्यादा होगा देख के बताओ। ये आपका कौन सा वाला होता है, इनर्ट गैस नोबल गैस वाला या इनर्ट गैस वाला, ये कौन सा होता है सूडो इनर्ट गैस वाला, कौन सा होता है सूडो इनर्ट वाला, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा या इसमें, तो अभी बता इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इसमें अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, इसके कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा आएंगे तो यही कोवेलेंट ज्यादा होगा ना, आंसर आ गया बाबेल, समझ में आया बेटा आपको, कंफ्यूजन हो रहा था बाबेल, बाबेल अपना कमेंट जरूर लिखें बाबेल, बाबेल अब जिस सबको जिस जिसको समझ में अच्छे से आ गया वो कमेंट करें, और जिसको डाउट है वो पूछे क्योंकि इसके आगे फिर मैं सवाल करूंगा। जल्दी डॉक्टर भूदेव सिंह धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए लोकेंद्र यादव ने भी सही आंसर दिया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी है बाबेल, जल्दी जिस जिसको समझ में आ गया लिखो और डाउट हो तो पूछो क्योंकि मैं इसके आगे सवाल पूछूंगा अब आपसे, पक्का। देवेश पॉल थैंक यू, सबको आ गया समझ में। चलिए पक्का, देखो वो सही कह रहा है बच्चा, अगर समझ में आ गया तो लाइक, लाइक तो इतने कम है और वॉचिंग इतने सारे, कहां समझ में आया। जितने वॉच है उससे ज्यादा लाइक दिख रहे थे तब मालूम समझ में आया। जल्दी लाइव क्लासेस का टाइम बेटा भूदेव सिंह आप इसी YouTube चैनल के अंदर जाके देख सकते हो, सारा टाइम टेबल लगा हुआ है, डीटेल्स की वेबसाइट पर भी देख सकते हो आप, ठीक है। जल्दी मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, जितने दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे उतने लाइक नहीं दिख रहे, नहीं पढ़ाऊंगा आगे। साउंड कम आ रहा है, अभी साउंड सही कर देते हैं। अभी ठीक है स्नेहाशीष घोष, देखो अभी भी नहीं बढ़े, 213 से ज्यादा दिखाई दे रहे, 2115 है और 164 है मात्र, क्या पढ़ाओ तुम्हें अभी बताते। निर्मल सोनी आपका ये डाउट है ना, आप निश्चिंत रहें, बार बार मत लिखे, टेंशन मत ले, अभी सब आ जाएगा। जल्दी इतना टाइम लगता है क्या बे है? चलो आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, पर मुझे तो करना पड़ेगा ना, यही फर्क होता है स्टूडेंट और टीचर में, स्टूडेंट करे या ना करे टीचर को तो अपना काम ईमानदारी से करना है। अब आपसे एक सवाल पूछेगा वो आपसे,
KCL और AGCL, RBCL और AUCL, ठीक है, CACL2 और CDCL2, CACL2 और PBCL2, CDCL2 और PBCL2। अब आपको ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है इन सबके। चलो बताओ, निशा सिंह आंसर सही दे रही है, वेरी गुड। अभी आवाज सही आ रही है ना? अरे निशा सिंह गजब, आप तो फोड़ रही हैं एकदम, वेरी गुड। देखो इसी का ज्यादा होगा, बताओ क्यों, उसका रीजन देखो। पहला, अभी अभी बताया सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, तो ये सूडो अगर इनर्ट होगा तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। यहां पर भी देखो आप, ये सूडो होगा इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। यहां पर भी देखो सूडो है इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। यहां पर भी देखो आप, ये नॉन इनर्ट हो गया है तो PBCL2 नॉन इनर्ट तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, तो नॉन इनर्ट वाले में तो और ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अब ये वाला देखो, तो ये क्या है इनर्ट, ये क्या है सूडो, और ये क्या है नॉन इनर्ट। आराम से देखो, ये क्या है इनर्ट, ये क्या है सूडो, और ये क्या है नॉन इनर्ट। तो इसका मतलब क्या निकला जल्दी बताओ, वापस से समझना। ये क्या है, नोबल गैस वाला था, ये सूडो वाला था, और ये नॉन इनर्ट गैस वाला था। इसका मतलब क्या निकला कि यही ऑर्डर आएगा। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि नोबल गैस, सूडो और नॉन इनर्ट, इन तीनों में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन सूडो एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर जो होगी वो किसकी होगी, वो बोलो किसकी होगी, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन वाले की होगी। सबसे ज्यादा जो है वो किसकी होगी पोलराइजिंग पावर, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले की होगी। किसकी होगी बोलो, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले की होगी। ठीक, अब जब भी सवाल ऐसा आएगा तो एग्जामिनर एक काम आपके लिए बेस्ट करेगा, वो ऐसे ही एग्जाम्पल लेगा जिनमें साइज ऑलमोस्ट सेम हो, यानी इसका साइज के साथ ऑलमोस्ट सेम है, इसका साइज के साथ ऑलमोस्ट सेम है, इसका साइज के साथ ऑलमोस्ट सेम है, इसके साथ, तो साइज फैक्टर यहां पर ऑलमोस्ट सेम ही है। एग्जाम्पल जब भी लिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा, तब वो अपने आप ही साइज को लेके करेगा कंसिडर। क्लियर, हाँ या ना, पक्का, सिंपल है। सानिध्य सिंह बोल रहा है कि सर बट इसमें रेस्ट फोर कंडीशन सेम नहीं है तो डायरेक्टली जेड इफेक्ट कैसे देखेंगे। कौन सी कंडीशन सेम नहीं है बे, ये देखो, ये चार्ज सेम है, ये सेम है, चार्ज सेम, एनायन तो सेम हो ही गया। मैंने अभी बताया कि साइज कंसिडर सेम लेगा ही लेगा वो, ठीक है, सब में सेम है, सब में सेम है। आपको मैंने दिया था ये ताकि आप आसानी से कर सकें। अब एग्जामिनर ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि एग्जामिनर अपने आप ही वही एग्जाम्पल सेट करके देगा जिसमें साइज सेम होगा, इसलिए बार बार साइज अब सेम नहीं करेगा आपके लिए। अंडरस्टूड हो गया आज के बाद आपको, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया ना ये, तो अब एग्जामिनर आपको नहीं लिख के देगा कि इनका साइज सेम है, आपको अंडरस्टूड है कि साइज सेम ही होगा और टिक करना है खड़ाक से। ठीक है सानिध्य बेटा, नहीं पता नहीं चलना आपको तो डायरेक्ट हो गया, आपको तो एग्जामिनर का हेडेक है कि साइज सेम दे, क्योंकि अगर साइज बदल देगा तो आप आंसर ही नहीं दे पाओगे, आंसर ही नहीं दे पाओगे तो एग्जामिनर का सवाल गलत हो जाएगा, एग्जामिनर की इंसल्ट हो जाएगी। यही आईटी है, एग्जामिनर थोड़ी चाहेगा कि आईटी में गलत हो जाए।
इसलिए एग्जामिनर की हेडेक है वो। अब आपको समझ में आ गया कि आपको तो सिर्फ टिक टिक करना है सूडो देखते ही या नॉन इनर देखते, बाकी कुछ नहीं सोचना, समझ गए। अगला सवाल देखो अब। अब एग्जामिनर ने दिया एक और सवाल, जेड एन सी एल टू, सी डी सी एल टू और एच जी सी एल टू। अब इसमें आपको फिर से पूछना ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या बोला उसने, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या बोला जल्दी बताओ, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, इन तीनों का बताना बेटा, ठीक है। चलो बताओ करो। अंश चौधरी, साइज सेम नहीं हुआ तो आंसर कैसे देंगे, अभी बता दिया ना मैंने, आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, आपको साइज सेम देगा ही देगा वो, अगर नहीं देगा तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए उसकी हेडेक है, आपको तो आंसर वैसे ही टिक करना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। चलो बताओ इनका आंसर फटाफट। रौनक राज एकदम सही, वेरी गुड। स्नेहा सीज घोष 3-2-1। जितेंद्र मीणा 321, निकिता 321, आशुतोष कुमार 321 गलत, ईशा सिंह गलत है, सानिया सिंह सही, स्नेहा सी 321। चलिए अरे बस बस इधर देखो भाई, अरे बस करो बस, हो गया हो गया हो गया, अरे पढ़ने भी नहीं आ रहा यार, इतने जल्दी जल्दी आंसर कैसे दे रहे हो। स्नेहा दास 321 सही है, ये ऑर्डर आएगा, लेकिन मेरा एक डाउट है, पता है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन लिख के बताओ कि ऐसा क्यों आएगा। चलो बताओ एक्सप्लेनेशन लिखो फटाफट जल्दी से, कैसा क्यों आएगा। जल्दी एक्सप्लेनेशन। प्रणव बिरादे साइज ऑफ एन आई एन, एन आई एन का साइज तो सेम है, गलत एक्सप्लेनेशन। स्नेहाशीष घोष एच जी का साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, गलत आंसर, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन गलत है। एच जी का साइज अगर ज्यादा, कैटाइन का साइज ज्यादा कर दोगे तो कैटाइन का साइज अगर ज्यादा हो गया तो पोलराइजेशन कम हो जाएगा, गलत आंसर है। ये एक बच्चा और एक, कौन है, लीना, लीना ने भी गलत दिया है, नॉन इनर्ट नहीं होता एच जी, एच जी एटम होता है, यहाँ एच जी एटम नहीं है, एच जी प्लस टू है, यहाँ ये सब प्लस टू है, ये सब प्लस टू है। और यह आरुल पाटीदार गलत है, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एच जी प्लस टू का, एच जी प्लस टू का नहीं होता है, एच जी एटम का होता है, ये भी गलत है। उत्कर्ष प्रताप सिंह राजावत गलत है, अरे बुड़बक ए बुड़बक, इधर देखो पहले तुम्हारा डाउट खत्म, एक पहले ये सवाल समझाते कि जेई ने सवाल क्यों बनाया, यही आईटी है। आप देखो इधर, ये जिंक है, ये कैडमियम है और ये मरकरी है, ये प्लस टू है, ये प्लस टू है और ये प्लस टू है, और इन सभी के अंदर आउटर शेल जब आप देखोगे तो उनमें सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि ये तीनों सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगे, तीनों के तीनों सूडो है, सूडो सूडो है तीनों, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगा, यही आईडी है। कृष्ण गोपाल गुप्ता ने बोला HgCl2 में जेड इफेक्ट की वजह से कैटायन के साइज छोटी होती है, एफ ऑर्बिटल कंटेंट, ओके सर, साइज ऑफ कैटायन। ऋतिक गंगवार ने लिखा है विद इंक्रीज इन द साइज द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, भैया साइज इंक्रीज होने पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होते हैं, क्या लिख रहा है ऋतिक गंगवार, तो सही में गैंगवार चालू करेगा क्या यहाँ पे आईटी और हमारे बीच में, गैंगवार गैंगवार हो जाएगा साला, हम तो फंस गए कि क्या पढ़ा रहे हैं सब उल्टा सुल्टा, तुझे क्या समझ में आ रहा है, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज सो पोलराइजेशन इंक्रीज, जीनियस।
ना हम ही जीनियस रख लिया। चलो मैं ही बता देता हूँ, इतने सारे कमेंट करोगे तो। हाय वीके बिश्नोई, वेलकम, आई एम न्यू स्टूडेंट। यस हम भी नए हैं बेटा आपके लिए, ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करें पढ़ाई को। स्नेहा दास, पुअर शील्डिंग इफेक्ट इन 4F HG, वेरी गुड, सही आंसर। ओके चलिए चलिए कंट्रोल करिए आप कमेंट को, मैं बता देता हूं। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। अब अगर हम इन तीनों की बात कर रहे हैं तो इन तीनों के अंदर सबसे बड़ी बात क्या हो गई पता है? सबसे बड़ी बात ये होगी कि भैया इन तीनों के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका टाइप सेम आ गया। अब अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि टाइप ऑफ कैटाइन अलग अलग हो तो हम आंसर दे सकते थे, है ना, लेकिन अब तो टाइप ऑफ कैटाइन भी सेम है तो क्या करें? तो रीजन समझो आप, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लास्ट में आएगा इसमें 3s2, 3p6, 4s2 और लास्ट इसमें 3d10 भी आएगा ऐसे 4s2। जब आप इसमें जाओगे तो इसमें आ जाएगा 4s2, 4p6, 4d10, 5s2। लेकिन जब आप इसमें आओगे HG में तो आप देखो HG में कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखें तो 4f14, 5d10 और 6s0 आएगा ये, ठीक है। ये 80 होता है तो 6s2 होता है और यहाँ इसमें +2 आ गया तो ये आ गया। यानी कि अगर आप HG की बात करो तो HG में 4F सबशेल आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4F सबशेल आने की वजह से अब क्या होगा, देखो HG के अंदर ये न्यूक्लियस आ गया, ये 4F आ गया और ये 5D आ गया और ये 6S आ गया, आया ना। अब ये 4F का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां लगेगा? आउटर शेल पे जा रहा है, नहीं जा रहा? अब दिमाग की बत्ती जलाओ, आउटर शेल पर 4F की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि F की शील्डिंग पावर कम है, तो ये क्या करता है इस वाले 6S को अपनी ओर खींचता है, और अपनी ओर खींचता है इसलिए इसका साइज छोटा हो जाता है, इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, जो 11th में पढ़ाया जाता है, 11th में भी पढ़ाने पर जो समझ में नहीं आता है, तीन तीन बार डाउट काउंटर पे जाके इसको समझा जाता है, ठीक है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर आपको याद हो तो ये आपका कौन सी सीरीज होती है? 3D, ये 4D, ये 5D। तो अगर आप ध्यान दें तो 3D और 4D में 4D का साइज बराबर होता है, लेकिन 4D में और इसमें साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो एक तो इसका साइज बड़ा नहीं है, इसका साइज क्या हो गया? इसके बराबर। दूसरा, ये अपने आउटर शेल पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन देगा, तो जो इसके कॉन्टेक्ट में एनायन आएगा उस एनायन का पोलराइजेशन भी तो सबसे ज्यादा करेगा। अगर उस एनायन का पोलराइजेशन सबसे ज्यादा करेगा तो वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? कोवेलेंट। अगर एनायन का सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो एनायन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कोवेलेंट। इसलिए ये कोवेलेंट है। अब आप देखो कितनी खूबसूरती से जेई ने सवाल बनाए। पहला, जब हमने कहा चार फैक्टर तो चार फैक्टर लिए, फिर हमने कहा यार चारों फैक्टर कॉन्स्टेंट है तो अलग लिया उसने, अलग कौन सा लिया? तीन टाइप के कैटाइन्स। अब हमने कहा कैटाइन भी सेम है तो आंसर किससे जा रहा है? आंसर जा रहा है अट्रैक्शन से, यानी जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा सिर्फ उसी में आएगा पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, उसी में आएगा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, बस। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखो, जब मैंने पहले दिन कहानी सुनाई थी तब मजाक लग रहा था, आपको लग रहा था कहानी सुना रहे साले बजरंग बली और कृष्ण भगवान की, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है आज भी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप खींचोगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा या कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कम हो जाएगा। समझ में आएगा? हाँ तो बोल दिया करो बे, है सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? फील ही नहीं आई यार। अरे फील आ रही है, नींद नहीं, फील। सो गए साले आधे दो, जागो बे, कॉफी मंगाओ मम्मी से, अब तो घर पे ही हो, ऐश है तुम्हारे, कॉफी पियो, चाय पियो, मस्त एकदम ठंडा पियो, है कोल्ड ड्रिंक में चाय मिला के शेक करके पी जाओ साला, दोनों का स्वाद आएगा। इधर देखो, ये फील आई कि नहीं आई कि ये ज्यादा क्यों है? पक्का? चलो फटाफट कमेंट लिख के बताओ, फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं अगर ये समझ में आ गया तो। एरिन कोटा में ही है तो मम्मी भी तो है, मम्मी को बोल दे कोटा में, तो क्या हुआ, घर नहीं है इतना कोटा,
ऑल क्लियर, चमक गया। चलो अब इधर ध्यान देना, ये आपका कंटिन्यूटी में ही टॉपिक चल रहा है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है उसी कंटिन्यूटी में एक टॉपिक और आ रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमने कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट लिखे हैं, और ये पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो हैं 13, 14 और 15 ग्रुप के। पी ब्लॉक के अंदर कौन से ग्रुप के हैं ये? 13, 14 और 15 ग्रुप के, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ गोले लगा रहा हूं ऐसे, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो सर्कल लगाया है वो इन सब में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लगाया है, इन सब में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लगाया है। हाँ ना, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लगाया है सिर्फ। क्या बोला जल्दी बताओ? जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वही लगाया है। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 +4 +5 है उनकी, लेकिन नीचे आते आते आप देखो कि इसकी जो हायर थी वो +3, लेकिन इस वाले एलिमेंट की हायर कौन स्टेबल कौन सी हो गई? +1। इसकी जो स्टेबल थी वो हायर वाली थी, लेकिन इसमें आते आते कौन सी होगी? लोअर। इसमें जो स्टेबल थी वो कौन सी थी? हायर, लेकिन इसमें आते आते कौन सी होगी? लोअर। यानी कि हम अगर पी ब्लॉक की स्टडी करें तो 13, 14 और 15 ग्रुप में, 13, 14 और 15 ग्रुप में डाउन द ग्रुप, 13, 14 और 15 ग्रुप में डाउन द ग्रुप, जनरली जनरली तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, बट ऑन मूविंग डाउन, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल देन हायर। क्या बोला जल्दी बताओ? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल देन हायर। दोबारा बोलो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल देन हायर। क्लियर सबको? क्या बोला दोबारा बताओ? कि अगर हम पी ब्लॉक के अंदर 13, 14 और 15 ग्रुप में डाउन द ग्रुप नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रही है हायर से। अब सवाल है क्यों, उसको समझ रहे हैं अपन। तो जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना अपन, थेलियम, थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन 81 है, तो क्या होता है? 4F 5D10 6S2 6P1। अगर मैं थेलियम की बात करता हूं तो थेलियम में 81 है, आया ना? थेलियम में अगर 81 है तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, हाँ या ना? और अगर अभी अपन ने बात की थी ऐसे, यहां 4F था, यहां 5D था, यहां 6S 6P था, हाँ या ना? F नहीं रोक पा रहा था तो सारा अट्रैक्शन कहाँ जा रहा था? 6S पे, 6S। और सबसे ज्यादा रोकने की पावर किसकी थी? SPDF, सबसे ज्यादा रोकने की पावर किसकी थी? S की। तो S और P में अगर कंपेयर करें आप, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना किसमें ज्यादा आसान होगा, एस या पी?
तो मुझे लगता है पी में से निकालना ज्यादा आसान होगा, हाँ या ना? क्या बोला जल्दी बताओ, हाँ या ना? किस में से निकालना ज्यादा आसान होगा? इसमें से निकालना, पी में से। पी में से निकालना आसान क्यों होगा? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो 6s पर सबसे ज्यादा लग रहा है। क्या बोला जल्दी बताओ, पी में से निकालना जो है वो आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि 6s पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यहां से निकालना आसान होगा। तो थेलियम प्लस वन आसानी से बनाएगा। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है हमेशा ही, अगर आप सिस्टम को ज्यादा एनर्जी देने लगोगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि ये इजीली निकाल पा रहा है या ये इजीली निकाल पा रहा है, तो आप समझोगे ये इजीली निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको निकालने के बाद इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा वो अनस्टेबल। तो इसलिए किस में रहना पसंद करेगा ये? प्लस वन में। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि थेलियम प्लस वन में ज्यादा स्टेबल है या प्लस थ्री में, तो आप बोलेंगे थेलियम प्लस वन में ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि थेलियम प्लस थ्री बनाने के लिए आपको कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? एस में से। और एस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा। और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसलिए ये अनस्टेबल रहेगा, ये स्टेबल। अगर आप यहां पर लेड की बात करते हो, 81 होता है, लेड कितना बताया था अभी हमने? 82। तो यहां कितना आएगा? प्लस 4। यहां P2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा P+4। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में से? ये अगर मैं बिस्मिथ प्लस 3 लिखूं 83 और बिस्मिथ प्लस 5 लिखूं, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बिस्मिथ प्लस 3। अगर मैं Hg0 लिखूं और Hg+2 लिखूं, Hg में 80 होता है, 80 होगा 80, तो वो 6s2 रहेगा सिर्फ। और अगर वो 6s2 रहेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा तो आप सोच सकते हो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नहीं निकालना चाहेगा। सबको समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो ये स्टेबिलिटी ऑफ आयंस भी पढ़ा दिया मैंने आपको। अब ध्यान से समझना, जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हमेशा हायर ज्यादा स्टेबल होती है। हायर क्यों होती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए बोरोन आया, उसने 1s2 2s2 2p1 देखा, अगर वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो वो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब क्या निकला कि कोई भी एटम जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, तो वो अपने सारे आउटर के इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ठीक है, इसलिए जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर। बट इन पी ब्लॉक ऑन मूविंग डाउन, नीचे आने पर क्या हो रहा है? ऑन मूविंग डाउन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। 4f सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, 4f सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये एस के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, एस पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे, एस के इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे, इसलिए एस के दो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे, पी के निकालेंगे, और पी के निकालेंगे तो प्लस वन यहां आएगा, लेड में प्लस टू आएगा, इसमें प्लस थ्री आएगा। क्लियर आया ना? इसलिए लोअर ज्यादा स्टेबल होती है। अब इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों कहते हैं जरा देखो, कि जब ये अट्रैक्शन यहां लग रहा होगा तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पा रहे हो? नहीं। दो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? पेयर। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पा रहे, इसका मतलब आसानी से बॉन्ड बनाने नहीं जाएंगे, आसानी से एक्साइट नहीं होंगे। अगर ये आसानी से एक्साइट नहीं होंगे तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए टुवर्ड्स बॉन्डिंग। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो गए टुवर्ड्स बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो आपसे ये पूछे कि ये प्लस वन ज्यादा स्टेबल है या प्लस थ्री, तो आंसर बोलोगे प्लस वन। एक एक्सप्लेनेशन और दे सकते हो आप, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोल सकते हो? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोल सकते हो? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और या फिर दूसरा ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ 4F सबशेल। पुअर शील्डिंग पावर ऑफ 4F सबशेल। हाँ या ना? अरे समझ में आया? बोलो, क्लियर सबको? सौमित्र राज को HG और HG प्लस टू नहीं समझ में आया। देखो, प्लस टू बनाएंगे तब क्या होगा? मरकरी में 80 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है। सौमित्र राज, 80 80 करोगे तो यहां पर से एक हट चुका होगा, 80 यही होगा सिर्फ। क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? नहीं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अभी अभी बताया ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अभी तो बताया, आया ना? आया ना? बोलो सौमित्र राज, जल्दी से कमेंट बताओ फटाफट कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। तो Hg प्लस टू आसानी से बनेगा, मुश्किल से? मुश्किल से बनेगा, क्योंकि Hg प्लस टू बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। क्लियर? अब यहां पर एक बात समझ में आई कि स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? स्टेबिलिटी ऑफ आयंस क्या होती है? आया ना? पक्का? अरे बोलो, जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, फटाफट बोलो। क्लियर सबको? राधिका मित्तल जी, आपने कुछ लिखा था कमेंट, पढ़ने में नहीं आ पाया वो। सुधांशु चटर्जी, वेरी गुड। स्नेहाशीष को समझ में आ गया, क्लियर हो गया सर, आज इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लियर हो गया। राधिका मित्तल जी ने बहुत बड़ा सा कमेंट लिखा था एकदम, बिल्कुल। राधिका जी को डाउट आया था भयंकर वाला, आज तो राधिका जी पूछ ही मानेंगे। नाइट्रोजन कौन बोल रहा है विश्वास कि नाइट्रोजन डजंट एग्जिस्ट इन प्लस फाइव? बेटा ये डाउट आपका गलत है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है प्लस फाइव में। देखो कैसे, ये एक्स की वैल्यू प्लस फाइव आ रही है, देखो नाइट्रोजन में, ठीक है विश्वास? आपको गलत मालूम है, आपको ये गलत क्या मालूम है सुनना ध्यान से, नाइट्रोजन 5 कोवेलेंसी नहीं रखता है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो रखता है, 5 कोवेलेंसी नहीं रखता, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो आप कंफ्यूज हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी में, सभी बच्चे जो हैं वो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी दोनों अलग अलग होती है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव होती है, ये देखो नाइट्रोजन का फेमस ऑक्साइड है, यहां भी प्लस फाइव आएगी, लेकिन उसकी कोवेलेंसी 5 नहीं होती है। क्या बोला? कोवेलेंसी 5 नहीं होती है, ठीक है? तो ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया आधा। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड सवाल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपसे हाथ जोड़ के सविनय नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को याद करके आएंगे अगली क्लास में, वरना फिर से कोई आके बोल देगा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा कनेक्शन आज वाले लेक्चर से ही हो पाएगा। तो आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, एकदम ऐसे मत बैठ जाओ ओनली कि ठीक है मोबाइल ऑन किया, कानों में ईयरफोन लगाया, कॉफी का मग लिया और बैठ गए आराम से, ठीक है लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं, सर की टेंशन है साला पढ़ाएंगे, हमें समझ में नहीं आया तो समझाएंगे, नहीं समझा पाए तो साला हमें कमेंट कर जाएंगे, ये गलत एटीट्यूड है।
एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि आपको जो करनी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर ने अपना काम कर दिया, अब मेरा काम है, मुझे अच्छे से समझना है, पूरी कोशिश करनी है। एक बार नहीं समझ में आए, दो बार नहीं तो तीन बार, साला चार बार वीडियो देख लो, आप ही के पास पड़ा है, आप इसको अच्छे से समझें। पढ़ने के बाद इस तरह से अपने दिमाग के अंदर बिठा लें साला कि कभी भी सवाल आया तो फोड़ दूंगा। और इनर्ट परिफेक्ट में से बहुत सवाल आते हैं, समझ में आया? ये जो नालायक अपना ईयरफोन निकाल रहा है, समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं, ईयरफोन नहीं निकालना अभी, अभी बोल रहा हूँ ना। हाँ, वेरी गुड, वापस लगाओ। चलो, तो मैंने जो बोला समझ में आया, क्लियर? तो आपको अगले लेक्चर के अंदर क्या बोला, अगले लेक्चर के अंदर इस पूरे लेक्चर को याद करके आना है, प्रॉमिस करो, आईआईटी की कसम खाओ। आया ना, बोलो, आईआईटी की कसम, आईआईटी की कसम है साले, अगर झूठ बोला तो बोर्ड में फेल हो जाओगे साले। 74.5% आएगा आईआईटी जेई मेंस का, क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा तेरा, कट ऑफ। और आईआईटी की कसम खा रहा है, ध्यान रखना, झूठ बोला तो एडमिट कार्ड वहीं रह जाएगा, आईआईटी देने जाएगा लेकिन एडमिट कार्ड घर भूल जाएगा। आईआईटी की कसम, यही आईआईटी है? यस, वेरी गुड। आईआईटी की कसम खाओ निर्मल, आत्मा की कसम मत खाओ, बाद में बोलोगे मेरे पास तो मेरी आत्मा थी नहीं, मैं तो किसी को दे आया था लॉकडाउन में। आईआईटी की कसम खाओ, आत्मा की नहीं। यस, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।